हम पाप नाशनी मोक्ष दायिनी कथा सुनाते हैं, शीश झुकाते हैं। सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पाप नाशनी मोक्ष दायिनी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय जय दिनकर रवि दिवाकर आप कहलाते, अपने भक्तों पर सदा तुम कृपा बरसाते। एक कथा प्राचीन आपकी मैं बतलाता हूँ, एक था निर्धन ब्राह्मण जिसका हाल सुनाता हूँ। वो ब्राह्मण तो सूर्य देव का भक्त था कहलाता, सुबह को कर स्नान रवि का ध्यान वो लगाता। काम धाम ना करता वो तो करता बस आराम, उसके पड़ोसी उसे निकम्मा देते नया है ना। एक दिन ब्राह्मण स्नान कर जंगल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं। जन की सामग्री ले वो जंगल आए हैं, एक पीपल का सूखा पेड़ है ब्राह्मण पाए हैं। फिर ब्राह्मण ने बैठ वहां पर किया सूर्य पूजन, कथा कही है दिनकर जी की और किया वंदन। उस पीपल के पास में एक सूखा था ताला, सूर्य अर्घ जब दिया ब्राह्मण बहकर गया है आ। उस जल से वो सूखा पीपल हरा है हो जाता, भक्तों उस तालाब में जाने कहां से पानी आता। उस तालाब के पानी में सूर्य छवि दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं। बोले दिन कर हे ब्राह्मण तुम वर क्या चाहते हो, पूरी होगी अभिलाषा जो भी तुम चाहते हो। सुनकर वो आवाज तो ब्राह्मण अति घबराया है, समझा पीपल पर है भूत फिर घर पर आया है। नित ही वहां आकर के ब्राह्मण करता है पूजन, नित ही दिन कर आके पूछते क्या चाहते ब्राह्मण। भूत समझ कर ब्राह्मण फिर तो करने लगा चिंता, धीरे धीरे फिर तो ब्राह्मण दुबला हो जाता। नहीं किसी को मन की बात को वो बतलाते हैं, रवि को शीश झुकाते हैं। सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं।
एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उनसे पूछ लिया, क्यों पतले हो रहे तुम, ब्राह्मण से प्रश्न किया। फिर ब्राह्मण ने पत्नी को है सारा हाल बताया, उस जंगल का सारा ही वृतांत बतलाया। बोली पत्नी, भूत नहीं वो है दिनकर भगवान, अब की बार बोले अगर तो मांग न तुम वरदान। नौ खंड का महल मांगना और नौकर चाकर, सोने कपल नाती पोते मांगना तुम जाके। फिर तो ब्राह्मण अगले दिन जंगल में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं। अगले दिन ब्राह्मण ने फिर तो है रवि ध्यान किया, पूजा पाठ करके सूर्य को फिर है अर्घ दिया। खुश हो करके सूर्य ने ब्राह्मण से है वचन कहे, क्या चाहते हो वर मांगो, कोई अभिलाषा न रहे। फिर ब्राह्मण ने मन की मनसा सब बतलाई है, आंखें घुटने सही हो जाए अरज लगाई है। बोले दिन कर हे ब्राह्मण, तुम ये वर पाओगे, अपनी कुटिया की जगह तुम महल को पाओगे। फिर तो शीस झुका कर ब्राह्मण घर को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं। ब्राह्मण देव जंगल से फिर घर को आए हैं, टूटी झोपड़ी की जगह वो महल को पाए हैं। तभी महल की एक खिड़की से एक औरत बोली, आ जाओ ए, अपना घर है वो मुंह को खोली। उसने तन पर सुंदर गहने अपने पाए थे, दास दासियों की मंडली नजर मिलाए थे। बोली पत्नी, ये नौखंड महल तो अपना है, वर्षों पुराना सपना जो था आज वो अपना है। फिर तो ब्राह्मण महल के अंदर चले ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं। ब्राह्मण, इतने धन से क्या कर पाओगे। बोली पत्नी, यज्ञ हवन कर पुण्य को पाओगे। फिर दोनों यज्ञ हवन कर पुण्य कमाते हैं, भूखा जो भी आता द्वार पे भोजन करवाते हैं। रोज ही दिन कर का वो पूजा पाठ किया करते, कथा को कहकर नित ही मंगल गान किया करते।
फिर तो ब्राह्मण के सब जन ही करने लगे गुणगान। एक दिन नगर के राजा का गया ब्राह्मण पर है ध्यान। फिर तो राजा ब्राह्मण देव को महल बुलाते हैं, रवि को शीश झुकाते हैं। सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं। राजा कल को तुम पर ना ही था कुछ पाप, आज तो रुपया पैसा सब है बन गए हो तुम खास। इतनी दौलत तुमने ब्राह्मण कहाँ से पाई है, सारी बातें ब्राह्मण ने राजा को बताई है। फिर तो राजा ने भी सूर्य का ध्यान लगाया है, पूजा पाठ करके सूर्य को अर्घ चढ़ाया है। फिर तो सूर्य की कृपा से रानी को पुत्र हुआ, राजा और नगरी ने दीन कर का गुणगान किया। सूर्य देव का राजा नित ही ध्यान लगाते हैं, रवि को शीश झुकाते हैं। सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं। सारी नगरी सूर्य का करने लगी गुणगान, शायम काल को मिलकर सब ही करते मंगल गान। हे कश्यप नंदन ऐसी कृपा हम पर भी करना, सुना है संसार हमारा खुशियों से भरना। सूर्य देव की पावन गाथा जो भी ध्याता है, सुख संपत्ति पा कर के वो मोक्ष को पाता है। डीएस पालित सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, मुनेंद्र प्रेम जी सूर्य कृपा से कलम चलाते हैं। रामपाल भी सूर्य देव को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव के चमत्कार हम आज बताते हैं।